हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाली के पॉप की फर्स्ट इंडियन आइडल यानी आर्या काफी फेमस हो चुकी थी जब से उन्होंने अपने ग्रुप के साथ कुछ समय पहले डेब्यू किया था। और दोस्तों अब उनके ग्रुप यानी एक्सन की एक और वीडियो आ रही है और उनका कमबैक हो रहा है, जिसको लेकर आर्या फिर से काफी फेमस हो रही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि रिसेंटली आर्या के ग्रुप ने एक न्यू सॉन्ग लॉन्च किया है जहां पर उन्होंने BTS का रेफरेंस दिया है और आर्या ने खुद बताया कि वो एक आर्मी भी हैं और उनका ये सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों जिस सॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ वो है रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बाय एक्सन। और रिसेंटली आर्या और उनके ग्रुप मेंबर्स ने इस सॉन्ग को अपने प्री डेब्यू में लॉन्च किया है। और दोस्तों इस सॉन्ग में ना उन्होंने कई सारे सीनियर केपॉप ग्रुप्स को मेंशन किया है और बताया है कि किस तरीके से वो सभी ग्रुप्स उनको इंस्पायर करते हैं और उनको वो काफी रिस्पेक्ट करती हैं। तो इस सॉन्ग में BTS के साथ साथ कई सारे ग्रुप्स का नेम है, जैसे कि ब्लैक पिंक का, ट्वाइस का और कई सारे गर्ल ग्रुप्स का, नेक्स्ट जनरेशन, और ये सभी इन सब का नेम है। साथ ही साथ जो बॉय ग्रुप्स है ना उनमें भी काफी सारे, जैसे कि BP, अटीज, 2NE1, वंडर गर्ल्स, बिग बैंग, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स का नेम उन्होंने लिया है और सभी को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे किया है। यहाँ पर BTS का भी रेफरेंस देते हुए आर्या ने खुद इन लाइंस को गाया है और बोला है कि वो एक आर्मी भी है तो BTS को कैसे भूल सकते हैं। तो ये सॉन्ग हर जगह पर काफी ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडियन के पॉप आइडल ने BTS को इस तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए इतना बढ़िया गाना गाया है। लेकिन दोस्तों जहाँ कई सारे फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये गाना काफी क्रिएटिव और न्यू टाइप का है, वहीं बहुत सारे लोगों को ये गाना पसंद नहीं आया। स्पेशली कई सारे कोरियंस को उनका कहना है कि ये गाना काफी क्रिंज साउंड करता है, एक पोयम की तरह लगता है, क्योंकि इस गाने में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, बस कई सारे केपॉप आइडल ग्रुप्स का नेम लिया गया है और उसके आगे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बोल दिया गया है। तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि एक्शन का काफी बड़ा डाउनफॉल है इस सॉन्ग के साथ और उनके खुद के फैंस को भी ये सॉन्ग ज्यादा पसंद नहीं आया है। लेकिन अब देखना ये है कि अपने आने वाले कमबैक सॉन्ग के साथ आर्या और उनका ग्रुप अपने फैंस का प्यार जीत पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि एक्शन अभी काफी ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है और अभी अगर उन्हें अपने फैंस का सपोर्ट नहीं मिला तो उनके ग्रुप को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे ही आर्या को काफी ज्यादा हेट मिल रही थी कोरियंस के साइड से, वो तो उनके कोरियन ब्यूटी फीचर काफी मैच करते हैं कोरिया के आइडियल लुक से, इसलिए वो फेमस हो गई थी। तो अभी फिलहाल आर्या BTS को ट्रिब्यूट देने के लिए और एक आर्मी होने के लिए काफी ट्रेंड में है। तो आर्मी मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर कि आर्या इंडिया की तरफ से इतना बड़ा काम कर रही हैं और अब एक केपॉप ग्रुप का हिस्सा बनकर BTS के लिए गाना तक गा दिया है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।